नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकी वागो कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ देख सकते हैं, पीछे आप बोर्ड पर रीड कर सकते हैं क्या लिखा है हमने। भारत की बहुउद्देश्य परियोजनाएं और भारत के जो बांध हैं। भारत के भूगोल की आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में जो बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं हैं और जो बांध बनाए गए हैं, डैम्स बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, किन किन नदियों पर हैं और किन किन राज्यों को उससे फायदा हो रहा है। ओके, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको मैं लेट द एंड, जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले कि हम अपनी परियोजनाओं, भारत की बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करें, उससे पहले हम एक बार क्लेरिफिकेशन कर लेते हैं कि एक्चुअली होती क्या है। आप देख रहे हैं बहुउद्देश्य परियोजनाएं, बहुउद्देश्य परियोजनाएं। देखिए क्या है बहुउद्देश्य। अब यहां से देखिए बहुउद्देश्य, बहु देखिए, इसके अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, बहुउद्देश्य। बहु का मतलब क्या है, बहु प्लस उद्देश्य। बहु का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी कि एक से अधिक। उद्देश्य यानी कि एम्स के लिए, ऐसी योजनाएं परियोजनाएं जो एक से ज़्यादा उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बनाई गई हैं। तो ज़्यादातर जो हमारी परियोजनाएं हैं ये बहुउद्देश्य परियोजनाएं, यानी कि एक से अधिक उद्देश्य के लिए, एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं नदियों पर, उनको क्या कहा है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं। अब ये उद्देश्य क्या क्या थे जो हमने नदी पर कुछ परियोजनाएं बनाए, बांध बनाए, डैम बनाए, उसका एक्चुअली क्या रीज़न था, हमने क्यों ये हमारे क्या एक्चुअली किस आपूर्ति के काम आते थे, क्या हमारी जो ज़रूरतें थे उनको फुलफिलमेंट करते थे, यानी कि किन ज़रूरतों के लिए हमें ये बहुउद्देश्य परियोजनाएं बनानी पड़ी। तो ज़्यादातर जो भारत की बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं वो किसके लिए, सिंचाई के लिए, किसके लिए, सिंचाई और पेयजल, यानी कि पीने के पानी के लिए ये जो हमारी परियोजनाएं ज़्यादातर भारत की बनाई गई हैं। क्लियर है। उसके बाद जो इसका उद्देश्य है, ये तो एक उद्देश्य हुआ, अब बहुउद्देश्य यानी कि एक से अधिक उद्देश्य के लिए, लेकिन जो बेसिकली हमारी परियोजनाएं हैं भारत की वो ज़्यादातर किसके लिए, खेतों की सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए बनाई गई हैं। जो सेकंड इस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, जल विद्युत उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, यानी कि पानी से बिजली प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए। और क्या उद्देश्य थे इसके, मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए। और किन उद्देश्य के लिए बनाई गई है, बाढ़ नियंत्रण, जैसे कुछ ऐसे नदियां थी जिसमें क्या समय समय पर काफी बाढ़ आ जाती थी, तो उस बाढ़ को रोकने के लिए उन पर क्या डैम बनाए गए, कुछ योजनाएं लगाई गई, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट, क्या उद्देश्य है इनका, कि कृषि और पशुपालन के लिए, कृषि एवं पशुपालन के लिए। तो
इस तरह की जो हमारी आदि के लिए, इस तरह की जो हमारे उद्देश्य है इनकी पूर्ति के लिए भारत की जो नदियां हैं, बहुत सारी भारत में आप देख आप पढ़ चुके हो, बहुत सारी नदियां हैं, उन पर क्या है कुछ बांध बनाए गए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे क्या है काफ़ी सारे उद्देश्य पूर्ण होते हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, जैव विविधता के लिए, मत्स्य पालन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, या फिर कृषि एवं पशुपालन के लिए जो ये परियोजनाएं हैं इनका इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, हैव यू गॉट इट? अब भारत में जो सबसे पहली परियोजना थी वो कौन सी थी, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिकली जो भारत की नदी परियोजनाएं हैं वो किसके लिए बनाई गई हैं, ज़्यादातर सिंचाई एवं पेयजल और काफ़ी हद तक इसके जल विद्युत उत्पादन के लिए भी हमारी जो भारतीय परियोजनाएं हैं, नदी परियोजनाएं वो बनाई गई हैं। उसी के साथ भारत की जो सबसे पहली परियोजना कौन सी है, भारत की सबसे पहली जो परियोजना थी वो थी हमारी दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी थी बच्चों? दामोदर घाटी परियोजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए इम्पोर्टेंट तो होगी ही, क्योंकि भारत क्या है कृषि उत्पादन में, भारत किसके लिए, अब आपको पता है कि भारत किसके लिए जाना जाता है, भारत में आप आपको पता ही है कि 70% लोग क्या कृषि पर निर्भर करते हैं, यानी कि कृषि की जाती है भारत में, और कृषि के लिए क्या है यहाँ पर उसकी सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए क्या किया जाता है, कुछ डैम बनाए गए हैं, परियोजनाएं नदी पर बनाई गई हैं। तो अब सबसे पहली जो परियोजना है वो कौन सी थी, दामोदर घाटी परियोजना, जो कि 1900 में इसको लगाया गया था। आपको पता है दामोदर नदी है जिसको क्या बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ये भारत से निकलती है और इसमें क्या है काफी बाढ़ आती थी। इसका मेन उद्देश्य था, जो सबसे पहली भारत की नदी परियोजना आई थी वो थी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना आई थी और इसी के साथ 1984 में आई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, देखिए वैसे तो मैंने कहा है कि मेन उद्देश्य क्या है, सिंचाई पेयजल और जल विद्युत उत्पादन है, लेकिन जो हमारे सबसे 1948 में परियोजना लाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बाढ़ नियंत्रण। किसके कारण लाया गया था, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए। बाढ़ नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य से इसको भारत में लाया गया था। ये बेस्ड किस पर थी, अमेरिका की एक नदी है टनेसी, तो वो उसमें भी क्या है समय समय पर बाढ़ आती रहती थी, तो वहाँ पर उसके नियंत्रण के लिए टनेसी परियोजना लगाएगी, जिसके अंतर्गत क्या है उसमें जो नदी में बाढ़ आ रही थी उसको नियंत्रित किया गया। तो उसी को देखते हुए उसी मॉडल पर भारत में 1948 में बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए दामोदर नदी पर कौन सी परियोजना लगाएगी, दामोदर घाटी नदी परियोजना लाई गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, याद क्या रखना है आपको, दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली परियोजना थी। और ये किस इसका मॉडल किस पर बेस्ड था, अमेरिका की टेनेसी परियोजना पर, वह सबसे पहली थी और इसी को देखकर भारत में भी क्या है ये परियोजना लाई गई थी। ओके, क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट परियोजनाएं। अब हम देखें, हमने पढ़ा कि एक्चुअली परियोजनाएं होती क्या है, बहुउद्देश्य, कि एक से ज़्यादा उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उनको क्या बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहा जाता है, सिंपल सी बात है। अब हमने ये भी देखा कि कौन कौन से उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो परियोजनाएं हैं वो बनाई गई हैं। तो दोस्तों आपको क्या पढ़ना था, बेसिकली आपने सिंपली अभी तक कुछ नहीं सीखा, बस आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, यानी कि जो भारत की बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं उनकी एक्चुअली बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती हैं, ऐसी
योजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं उनको क्या कहते हैं, बहुउद्देश्य परियोजनाएं। वो उद्देश्य क्या हो सकते हैं, सिंचाई एवं पेयजल का उद्देश्य हो सकता है, जल विद्युत उत्पादन का उद्देश्य हो सकता है, जैव विविधता का उद्देश्य हो सकता है, मत्स्य पालन का, कृषि एवं पशुपालन का हो सकता है, बाढ़ नियंत्रण का उद्देश्य हो सकता है। तो एक से अधिक ये जो एटसेक्ट्रा जो हमारे एम्स हैं इनको फुलफिल करने के लिए परियोजनाएं बनाई गई हैं, प्लान्स बनाए गए हैं। तो इससे क्या कहा गया है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, क्लियर है। उसके बाद जो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो कौन सी थी, दामोदर घाटी परियोजना, ओके। और यहाँ पर ये किसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए बनाई गई थी, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन आज इस पर क्या है, काफ़ी जल विद्युत उत्पादन के लिए काफ़ी विद्युत गृह भी बनाए गए हैं, जैसे बकोर और दुर्गापुर जो काफ़ी फेमस हैं वो यहीं पर झारखंड में और पश्चिम बंगाल में बनाए गए हैं। और इसी के साथ अब हम डिस्कस करेंगे भारत और उसके कुछ पड़ोसी देश जैसे कि भूटान और नेपाल हैं, इनके साथ कुछ संयुक्त, दोनों की मिलकर, दोनों को मिलाकर कुछ संयुक्त हमारी परियोजनाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे क्या, कि जम्मू कश्मीर में आपको पता है जम्मू कश्मीर की जो नदियां हैं, उत्तरी जो नदियां हैं जैसे कि सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, ये जो तीन नदियां हैं 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके अंतर्गत क्या कहा गया था, ये जो तीन नदियां हैं इसका जो 80% जल है उसका उपयोग पाकिस्तान करेगा, और जो नीचे की पूर्व की तीन नदियां हैं जैसे कि ब्यास, रावी और सतलुज, इन तीन नदियों का पानी का प्रयोग कौन, भारत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भारत में कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं जिससे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी विवाद रहता है, उनको भी डिस्कस करेंगे। देन हम लोग करेंगे जो भारत की, हमारे भारत की जो परियोजनाएं हैं कौन कौन सी, किस राज्य में है और किस नदी पर। मैं आपको बेसिकली फिक्स पॉइंट बताऊँगी जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको कोई बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी और कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आपको क्या करवाएंगे, आपको कम्प्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे आपको, और उसी के साथ जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे आ सकते हैं वो कॉन्सेप्ट हम अच्छे से आपको क्लियर करवाते रहेंगे, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो संयुक्त परियोजनाएं हैं। सबसे पहली जो परियोजना है वो हम डिस्कस करेंगे किसके साथ, भारत और भूटान के साथ, ओके। किस देश के साथ करेंगे, भारत और भूटान के साथ। तो पहले कॉन्सेप्ट में भारत और भूटान, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग, भारत और भूटान की संयुक्त परियोजनाएं, संयुक्त परियोजनाएं, क्लियर है, इनको हम लोग क्लियर करेंगे। बेसिकली क्या है बच्चों, भारत और भूटान की जो संयुक्त परियोजनाएं वो दो हैं, उस पर मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप ट्रिक से उसको याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए मैं आपको हर एक चीज ट्रिक से या कोरिलेट करके जीके के क्यों करवाती हूँ, क्योंकि जो आप इस तरह से कोरिलेट करके या ट्रिक से कोई चीज़ याद करते हो, पढ़ते हो, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या है वो ऐड हो जाती है, तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। और जब आपके एग्ज़ाम की बात आती है, जब आप एग्ज़ाम्स में बैठे होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका जो आपने पहले कभी सुना था, रीड किया था, इस तरह के जो ट्रिक्स हैं वो अपने आप निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कोरिलेट करके और ट्रिक के साथ जीके के जो कॉन्सेप्ट हैं जो वो क्लियर करवाती हूँ, ओके। जो हमारी ट्रिक रहेगी भारत और भूटान की संयुक्त, इन दोनों के लिए मैंने एक ट्रिक निजात की है,
आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग किसी के साथ भी कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा है कि मुझे हॉरर मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, यानी डरती भी बहुत हूँ लेकिन हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखती हूँ। अच्छा लगता है, डर आता है लेकिन अच्छा लगता है ऐसे मूवी देखने में। तो जो हॉरर मूवी है उसमें, हॉरर मूवीज़ में क्या दिखाया जाता है, भूतों की मूवी फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि भूत को क्या है, कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद बड़ा ताला लगा दिया जाता है। तो हम याद करेंगे कि चोखा बड़ा, हरियाणा में ज़्यादा बड़े को क्या कहते हैं, चोखा बड़ा। तो भूत से बचने के लिए चोखा बड़ा ताला लगा देते हैं लोग। क्या करते हैं भूत से बचने के लिए क्या करते हैं, चोखा बड़ा ताला लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। देखा है ना आपने मूवीज में, कोई लॉक लगा देते हैं और बहुत बड़ा ताला लगा देते हैं, भाई अगर इसको खोला तो भूत बाहर आ जाएगा, है ना, इस तरह के देखा होगा आपने भी। तो मैंने ये ट्रिक ने साथ की है कि भूत से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, चोखा बड़ा ताला लगाते हैं। अब भूत को किससे कोरिलेट करेंगे हम, भूटान से। भूत से क्या है आपका, भूटान। भूत से किसको कोरिलेट करेंगे, भूटान। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, भूटान के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइलेंट रहेगा आपका। उसके बाद चोखा, चोखा चोखा का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो चोखा से क्या बनेगा, चूखा। चोखा से क्या बनेगा, चूखा, ठीक है। और ताला से ताला। तो ये तीन वर्ड है हमारे, भूत चोखा ताला, ठीक है। तो भारत और भूटान के साथ जो परियोजनाएं हैं, देखिए भूटान, भूत से का क्या मतलब है, भूटान की हम परियोजनाएं कर रहे हैं भारत के साथ। चूखा ताला, दो परियोजनाएं हैं, चूखा और दूसरी कौन सी है, ताला। क्लियर है। ये जो दोनों परियोजनाएं हैं किस नदी पर, वांगचू नदी पर बनाई गई हैं। किस पर, वांगचू पर। ये ध्यान रखिएगा, किस नदी पर बनाई गई है, वांगचू नदी पर बनाई गई है। 1970 में ये परियोजनाएं बनाई गई थी। क्लियर है। भूटान में सिर्फ ये याद रखो, भूटान में दो परियोजनाएं हैं, चूखा ताला, चोखा जल विद्युत परियोजना और ताला परियोजना। क्लियर है। कौन सी नदी पर है, वांगचू नदी पर है। कब बनाई गई थी, 1970 में। ये आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में नहीं पूछा गया। आप बेसिकली ये याद रखें कि भारत और भूटान के साथ कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, चोखा और ताला, चोखा जल विद्युत परियोजना और ताला परियोजनाएं। क्लियर है। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, भूत से बचने के लिए चोखा बड़ा ताला लगा दिया लोगों ने, ठीक है। तो भूटान, चोखा और ताला। क्लियर है। आई होप कि आपके भारत और भूटान की जो परियोजनाएं समझ आ गई होंगी, दो हैं, चोखा और ताला परियोजनाएं। क्लियर है। मैं आपको सिंपल कह सकती थी कि ये दो परियोजनाएं याद कर लो, लेकिन अगर आप ट्रिक से सुनोगे, ट्रिक से करोगे, तो आप लॉन्ग टाइम तक इनको याद रख सके। ओके, नेक्स्ट जो करते हैं, नेक्स्ट है हमारी भारत और नेपाल के साथ जो परियोजनाएं हैं, भारत और नेपाल के साथ। ओके, भारत और नेपाल की, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं। ओके, भारत और नेपाल की जो संयुक्त परियोजनाएं हैं वो करेंगे हम लोग। भारत और नेपाल की जो परियोजनाएं हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। दो लड़कियां थी, शारदा और कोशी। शारदा और कोशी का जो वेट किया गया है वो दोनों 5 टन की निकली। क्लियर है। तो क्या है, दो लड़कियां हैं, शारदा और कोसी। क्या, जब उनका वेट किया गया वो क्या है, दोनों 5 टन की निकली। 5 टन की निकली,
क्लियर है। दो लड़कियों को वेट किया गया, दोनों कितने 5 टन की निकली। कौन कौन थी वो? शारदा और कोसी। ठीक है, शारदा और कोसी का वेट किया गया, वो दोनों 5 टन की निकली। तो यहाँ से जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक में से मैं बता दूं आपको कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं वो हैं। पहली है हमारी शारदा परियोजना। कौन सी है? शारदा से शारदा परियोजना। पहली जो हमारी परियोजना है, ये ट्रिक थी आपकी, ट्रिक से जो पहली परियोजना है किससे? शारदा से। तो पहली परियोजना कौन सी है? शारदा। क्लियर है, पहली परियोजना। दूसरी है कोसी, ये आपका साइलेंट रहेगा, कोसी। दूसरी परियोजना कौन सी है आपकी? कोसी। क्लियर है। नेक्स्ट है पांच, पांच से बनेगा पंचेश्वर। पांच से क्या बनेगा? पंचेश्वर। ओके, एंड नेक्स्ट है टन, टन से क्या बनेगा? टनकपुरी। क्या है? टनकपुर, टनकपुर। तो ये हमारी चार परियोजनाएं हैं। शारदा कोसी का जो वेट है वो 5 टन का निकला, वेट किया जब। तो शारदा से क्या हो जाएगा? शारदा परियोजना। कोसी से क्या हो जाएगा? कोसी परियोजना। यहाँ पे लिख देती हूँ परियोजना। कोसी से होगी, कोसी परियोजना। 5 से होगा पंचेश्वर परियोजना, और टन से होगा टनकपुर परियोजना। क्लियर है, समझ आ गया आपको? सिंपली हमारी क्या है, नेपाल के साथ संयुक्त रूप से चार परियोजनाएं हैं, शारदा परियोजना, कोशी परियोजना, पंचेश्वर और टनकपुरी। ओके, किन किन नदियों पर है? बेसिकली क्या आपको याद रखना होगा, किन किन नदियों पर है? ये देखना क्या होगा बच्चों, किन किन नदियों पर है ये परियोजनाएं, किन किन नदियों पर ये परियोजनाएं बनाई गई है। जो पहली हमारे शारदा नदी परियोजना है, ये कहाँ पर? काली नदी पर है। किस पर है? काली नदी पर। सबसे पहले थे ये 1920 में इसको लगाया गया था। क्लियर है। उसके बाद जो तीन हमारी परियोजनाएं हैं भारत नेपाल के साथ, वो किस नदी पर है? महाकाली नदी पर। किस पर है? महाकाली नदी पर। ठीक है, सेम महाकाली नदी पर है। ओके, बच्चों याद आपको क्या रखना है, ये थोड़ा सा देख लेना। कोसी नदी जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है सीमा। देन क्या है आपको, ये नदियाँ कैसे याद रखनी होगी वो मैं बता देती हूँ आपको। क्या याद रखना होगा कि सबसे पहले कौन सी? शारदा। शारदा कहाँ पर? काली नदी पर। शारदा की जो परियोजना है वो किस पर? काली नदी पर है। तो शारदा, आप शारदा को याद रखें श्रद्धा से। श्रद्धा भावना किसके लिए होती है? काली माता के लिए। श्रद्धा भावना किसके लिए होती है? काली माता के लिए। जब ज्यादा श्रद्धा आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? जय मां काली। हाँ, तो महाकाली। उसके बाद जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको क्या? महाकाली नदी पर बनाया गया। ओके, याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है याद करने के भी। श्रद्धा किस पे थी सबसे पहले? काली माता पर। जब ज्यादा विश्वास होने लगा फिर हम क्या कहने लगे? जय महाकाल, है ना, जय महाकाली। तो यहाँ पर अगली जो परियोजनाएं लगाएगी वो किस पर? महाकाली नदी पर लगाएगी। ओके, क्लियर है। ये है हमारी जो भारत और नेपाल के साथ संयुक्त परियोजनाएं हैं। ओके, नेक्स्ट हम अब थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे। ये थी पहली हमने पढ़ी भारत और भूटान के साथ संयुक्त परियोजना। अब हम क्या करेंगे, भारत देन हमने पहली हमने भारत और भूटान के साथ संयुक्त परियोजना पढ़ी, और अब सेकंड पढ़ा हमने भारत और नेपाल के साथ। अब हम थर्ड करने जा रहे हैं जो कि विवादित हैं, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। भारत की कुछ ऐसी, जम्मू कश्मीर में पढ़ने वाली कुछ ऐसी परियोजनाएं जिन पर पाकिस्तान हमेशा मुद्दा खड़ा करता है, हमेशा विवादित रहते हैं। ठीक है, वो परियोजनाएं कौन कौन सी है देखिएगा, जो विवादित हैं परियोजनाएं।
भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में की संयुक्त नहीं कहूंगी विवादित परियोजनाएं। ओके, भारत और पाकिस्तान की विवादित परियोजनाएं। हम लोगों ने जब नदी तंत्र किया था, नदियां पड़ी थी भारत की, तब भी हमने डिस्कस किया था सिंधु जल समझौता 1960 में जो हुआ था, और उसी के साथ जो कुछ नदियां हैं भारत, कुछ नदियों किसके लिए, पाकिस्तान के लिए छोड़ दी गई थी, कुछ क्या है भारत के लिए। तो ऊपर की तीन पाकिस्तान के लिए और नीचे वाली भारत के लिए। तो यहाँ से जो भारत पाकिस्तान की नदियाँ हैं जिसके लिए भारत को सिर्फ 20% भारत जल प्रयोग कर सकता है, उस समझौते के अनुसार जिस पर भारत सिर्फ उत्तरी तीन जो नदियाँ हैं जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब जो नदियाँ हैं उनका सिर्फ 20% पानी ही प्रयोग कर सकता है, लेकिन भारत ने उससे पहले ही कुछ परियोजनाएं उन पर लगा दी थी, बांध बना दिए थे, तो उसके चलते पाकिस्तान हमेशा ये इस पर काफ़ी विवाद रहता है, पाकिस्तान हमेशा इस पर भय में भी रहता है पाकिस्तान, क्योंकि इसका जितना भी पानी है वो काफ़ी हद तक पानी हम रोककर बिजली उत्पादन करते हैं, सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, पेयजल के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो उन नदियों का अगर हम पूरा के पूरा पानी, बाद का मतलब होता है कुछ पानी रोक कर हम प्रयोग कर रहे हैं। अब जब भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात आती है तो क्या डरते हैं पाकिस्तान वालों को, सबसे बड़ा डर यही रहता है पाकिस्तान को कि कहीं ये जो उत्तरी तीन नदियां हैं भारत इनका पानी एकदम छोड़ ना दे। यानी कि पानी क्या है, कुछ रोका हुआ था भारत ने जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो एकदम पूरा के पूरा खोल दे तो क्या होगी, पूरी के पूरी बाढ़ आ जाएगी पानी, जिससे क्या है पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा, पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। तो भारत और पाकिस्तान में जब भी युद्ध की बात आती है तो पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा भय रहता है कहीं भारत वाटर वार ना कर दे, यानी कि जल से युद्ध ना कर दे, जिससे क्या है पूरा का पूरा पाकिस्तान में बाढ़ आ सकती है। तो इसीलिए पाकिस्तान हमेशा इस मुद्दे को उठाता रहता है कि ये जो परियोजनाएं हैं इन पर काफ़ी विवाद करता है, इस मुद्दे को काफ़ी उछालता है। और जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो विवादित परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखिएगा। यह विवादित परियोजनाएं करने से पहले मैंने आपको हमेशा क्या एक ट्रिक से करवा रही हूँ ताकि आप ये जो परियोजनाएं हैं हम बार बार नहीं पढ़ते हैं एक्चुअली, तो इसके लिए हम ये जो परियोजनाएं हैं इनको हम क्या किससे करें, ट्रिक से कर रहे हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी, जो विवादित परियोजनाएं हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, ट्रिक देखिएगा बहुत ही प्यारी है। किशन एक दूल्हा है, उसके बगल में उसका साला बैठा है। क्लियर है, किशन दूल्हे के बगल में उसका साला बैठा है। ट्रिक क्या कह रही है बच्चों, किशन दूल्हे के बगल में उसका साला बैठा। गाली नहीं दे रहे हैं, अभी रिलेशन बना रहे हैं, उसका साला बैठा, ठीक है। तो किशन दूल्हे के बगल में उसका साला बैठा है। अब क्या क्या है जो हमारी परियोजनाएं हैं, किन किन पर बेस रहेंगी वो देखो बच्चों। किशन से क्या बनता है, किशन गंगा परियोजना। किशन से क्या बनेगा, किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट दूल्हे से किशन गंगा परियोजना दूल्हे से दूल्हार परियोजना। पहले से किशन से किशन गंगा परियोजना, सेकंड है हमारा दूल्हे से बनेगी दूल्हस्त परियोजना। क्या बनेगी, सेकंड से बनेगी हमारे दूल्हे से दूल्हस्ती परियोजना। क्या होगी, दूल्हस्ती जल विद्युत परियोजना।
किशन से किशन गंगा परियोजना, दुल्हे से दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना, बगल से क्या होगी बगली हार परियोजना, बगली हार परियोजना, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बचा, साला, साला से होगी सलाल परियोजना, साला से क्या होगी सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, क्या है ट्रिक, क्या कह रही है आपकी, किशन दूल्हे के बगल में बैठा साला, किशन दूल्हे के बगल में उसका साला बैठा। तो यहाँ से किशन से किशन गंगा परियोजना, दूल्हे से दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना, बगल से बगली हाथ परियोजना एंड साला से क्या होगा सलाल परियोजना। ओके, अब किन किन नदियों पर है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो नदियां हैं, नदियां जरूर याद रखिएगा हमेशा। जम्मू कश्मीर में ये परियोजनाएं हैं, किन किन नदियों पर ये परियोजनाएं जो हैं बनाई गई हैं वो देखिएगा। नेक्स्ट है किशन गंगा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, किशन गंगा नदी पर, किस पर, किशन गंगा नदी पर बनाई गई है। क्लियर है, दुल्हस्ती, बगलीहार, सलार, ये तीनों के तीनों जो परियोजनाएं हैं ये किस पर बनाई गई है, चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर ये परियोजनाएं बनाई गई है। किशन गंगा कौन सी नदी है, किशन गंगा बच्चों क्या है, झेलम की एक सहायक नदी है, किसकी, झेलम की, झेलम की क्या है कि सहायक नदी है, सहायक नदी है, कौन सी, किशन गंगा, उस पर कौन सी परियोजना बनाई गई है, किशन गंगा परियोजना बनाई गई है। क्लियर है, और दुल्हस्ती, बगलीहार और सलाल ये तीनों के तीनों परियोजनाएं किस पर, चिनाब नदी, यानी कि जम्मू कश्मीर में ये परियोजनाएं बनाई गई हैं। क्लियर है, जिस पर क्या है पाकिस्तान काफी विवादित रहता है, ठीक है, यानी कि ये जो मुद्दा है ये परियोजनाएं हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित हैं। ओके, तो ये है हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवादित परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी है फिर से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। फॉर्मूला देखें, सॉरी ट्रिक देखें, क्या है हमारे, किशन दूल्हे के बगल में उसका साला बैठा, किशन से किशन गंगा, दूल्हे से दुल्हस्ती, बगल से बगली हार और साला से सलाल परियोजना। और किशन गंगा नदी किस नदी पर बनाई गई है, किशन गंगा पर, यानी कि किशन गंगा नदी क्या है, झेलम की एक सहायक नदी है। उसके बाद जो हमारी नीचे की तीन परियोजनाएं हैं, दुल्हस्ती, बगल और सलाल, ये किस पर, चिनाब नदी पर बनाई गई हैं। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट जो हम करेंगे अब भारत की परियोजनाएं, यदि भारत के पड़ोसी देशों के साथ परियोजनाएं और जो भारत और पाकिस्तान के साथ विवादित परियोजना है, तो जो ये थी हमारी भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ लग रही हमारी परियोजनाएं। और इसी के साथ ये मत समझिएगा कि क्लास खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो हमारे प्यारे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो डिस्कस करेंगे। मैं इस लेक्चर को अभी इसलिए क्विट कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने इसी में ही कंप्लीट किया तो लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेक्चर, जिससे आप भी उग जाएंगे। तो उगना नहीं है बच्चों, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, जिज्ञासा के साथ सीखना है और हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है। ओके, और इसी उम्मीद के साथ भूलिएगा मत, याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारी जो भारत की परियोजनाएं हैं। तो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कीजिएगा हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप जानते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्ज़ाम में भी किस तरह इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और इसी के साथ नेक्स्ट क्लास का आप इंतज़ार करेंगे। और जब तक आप फ्री होंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में अपनी फीडबैक देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।